हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार विचारधारा गेमिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीरियल प्ले टू इस गेम का पार्ट टू खेलने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अब हमें महाराज के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा ताकि हमें रिस्पेक्ट, फ्रेम फेम और राइट टू द थ्रोन मिले। देखिए, हमारा पहला जो टारगेट है जो सिम्हा टू महाराज ने दिया है कि ही वॉन्ट्स दैट यू टू कैप्चर अ विलेज नियर इस फोर्ट के जो पास का विलेज है, जिसकी मैप पर हम देख सकते हैं। हमें इस विलेज को कैप्चर करना है। तो चलिए, अभी हमारे पास बिल्कुल भी सोल्जर्स नहीं है। 13 सोल्जर्स है और 37 सोल्जर्स तक नहीं है, बॉम्बे रहे। तो चलिए हमें सोल्जर्स ग्रुप करते हैं। उससे पहले हमारे पास जो कुछ भी है शायद हमें वो बेचना होगा। तो यहाँ पर कोई भी वॉलंटियर्स नहीं है। थोड़ा दूर जाना है, यहाँ पर चल के देखते हैं। कोई दूसरा क्वेश्चन ना आ जाए। यहाँ पर भी सोल्जर्स थे। देख सकते हैं आपने, ख्वाजा डायनेस्टी ने भी हमारे ऊपर जंग कर दी है, बढ़ते जा रही है। मेरी कुछ सिपाही लेके यहाँ पर जस्ट आ रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पता चला कि एक बैंडिट्स ने यहाँ पर हमला बोल दिया। हमारे लिए एक अच्छी बात है, हम सबसे पहले उस पर हमला बोलेंगे और उसके बाद उसे विलेज मिलेंगे। नहीं, उसके साथ कोई सौदा नहीं करेंगे, उस पर सीधा हमला बोल देंगे। चलो, बस हमारी फौज तैयार है। सीधा हमारे सामने तो देर हो गए, शायद हमारे यहाँ अच्छा, लूट तो काफी तगड़ी मिली है। और वैसे ही हम गांव पर मुझे लगता है ऑटो फाइट करते हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें अभी बहुत फेम, रिस्पेक्ट और राइट टू द थ्रोन मिला है। तो ऑटो फाइट करेंगे। तो आप देख जान सकते हैं कि ऑटो फाइट में रिजल्ट डायरेक्टली आ जाता है। तो अभी हमारे पास ज़्यादा सोल्जर्स है इसलिए हमारे साइड से नहीं कर पाएगा। और देखिए, यू वन द बैटल। ओके, लूट भी काफ़ी अच्छी मिली है। ये हमारे, ओके देखिए, आप देख सकते हैं राइट साइड में फेम प्लस 26, रिस्पेक्ट प्लस 22 और राइट टू द थ्रोन प्लस 20, मतलब टास्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अब आप देख सकते हैं हम इधर पोलैंड के पास आए थे, मतलब कितनी दूर भेजा था हमें राजा ने मिशन के लिए। तो कोई बात नहीं, वैसे भी अगले राजा हम ही बनने वाले, महाराज तो किंग तो हम ही होंगे, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है जाते जाते और एक विलेज कैप्चर करके जाते इधर बैंडिट्स का है, क्योंकि इतने बड़े अभी हमारे पास घोड़ा भी नहीं है। इतना बड़ा सब इंडियन आई में वापस जाने में चला गया। तो हम जाएंगे और ऑटो फाइट करेंगे। अरे नहीं, मेरी गलती। अरे मुझे लगा वो बैंडिट्स होगा वाइट कलर का, तो ये तो इंग्लैंड वाले निकले। मेरी गलती की वजह से इंग्लैंड ने हमारे इंडियन डायनेस्टी के ऊपर हमला बोल दिया है। आप देख सकते हैं रीजन अटैक ऑन विलेज। तो ये मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे लगता है अब यहाँ से खिसक लेना चाहिए। और ये देखिए, हमारे पिछले विलेज पे वापस उस बैंडिट्स ने कब्जा कर लिया। इसकी मदद करनी चाहिए मुझे लग रहा है। चलो, अब उनका ही झगड़ा शुरू हो गया, हम बीच में जाके कुछ नहीं कर सकते। हम वापस इंडियन लाइन जा रहे हैं, काफ़ी दूर है। तो मैप लगा देता हूँ, बाकी सोचने के बाद देख लेंगे। अरे हमें और एक मिशन मिला, सिम्हा टू वॉन्ट्स दैट यू टू कैप्चर अ विलेज नियर पठान, फोर्ट पठान। अब ये फोर्ट पठान का है, उनको देखना पड़ेगा मैप में फोर्ट पठान। अरे यार, इतनी दूर वापस जाना है। ये रहा फोर्ट पठान, तो हमें यहाँ पर आना है।
तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं कोर्ट पठान पर। मैं वीडियो को पॉज करके वहाँ पे जैसे ही पहुँचूंगा वापस से प्ले करना शुरू करूँगा ताकि ज़्यादा आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। अरे मैं आपको अभी बताना चाहता है, जैसे हम कोर्ट पठान के लिए निकले थे तो एक बैंडिट मिला, ये माउंटेन बैंडिट लीडर है जो हमें रोक रहा है जाने से और कह रहा है अभी हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं क्योंकि हम फौजा डायनेस्टी में इसलिए किसी कैसे में छुप भी नहीं सकते, तो अब लड़ाई करनी होगी। तो चलिए करते हैं फाइट शुरू। अब ये युद्ध थोड़ा सा हम आसान होने वाला है क्योंकि हमारे बहुत से लो लेवल सोल्जर्स है, उनकी बड़ी क्वान्टिटी कम हो रही है, उनसे भी हाई लेवल चल रहा है। देखिए उससे भी हमारे हारने की संभावना भी ज़्यादा है। चलिए मैं भी कुछ तीर मार देता हूँ यहाँ पे। यार ये राजा होने के बावजूद भी मेरे पास घोड़ा नहीं है, काश किसी रूप में घोड़ा मिलता। अरे यार किसी ने मुझे तीर मार दिया, ये मेरे पास हार मरना होने की वजह से मुझे एक तीर नहीं देखी कैसे मैं मरा, तो मैं मरा नहीं है मैं बहुत। देखिए पोलैंड का सोल्जर है जिसे हमने रिक्रूट किया था, कितनी मदद कर रहा है हमारी। इस गेम में आर्चर्स का ज़्यादा फायदा होता है। लो जीत गए, हमारा इंडियन सोल्जर। तो देख सकते हैं हमारे 17 सोल्जर्स मर चुके हैं, वो 6 बॉम्बे जिसमें मैं भी एक नंबर पे। तो चलिए लूट काफ़ी अच्छी मिलनी चाहिए अभी हमें। ओके इतनी खास कुछ लूट मिली नहीं। देखिए अब हम ज़्यादा सोल्जर्स भी नहीं रिक्रूट कर सकते, हमारे पास पहले से ही कम है। अरे नहीं गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ओके इसे पैसे देके मामला सुलझा लिया। ये क्वाजा डायनेस्टी का शायद सिपाही है जो हमारे पीछे पड़ा था, इसे कुछ पैसे देने पड़े। उस ज़माने से ऐसे ही चलता आ रहा है। तो मैं देखना ये पोर्ट पठान है कहाँ पर, कि यहाँ पर वहाँ पर ऑलरेडी 13 सोल्जर्स हैं और हमारे पास 21, तो मुझे लगता है हमें और सोल्जर्स जीत करने चाहिए वरना हम जीत नहीं पाएंगे। काश कि कोई राजा हमारे साथ देश कराए में। अरे यार ये तो सभी काफ़ी खतरनाक है। उनको रिक्रूट करने से रिस्पेक्ट कम हो जाती है क्योंकि बंदी को अगर हम छोड़ देते तो हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, लेकिन अभी हमारे पास सच में सोल्जर्स की बहुत कमी है। तो आप देख सकते हैं हमें रिस्पेक्ट मोर देन 100 चाहिए तभी हम वॉरलॉर्ड बनने के लिए, मतलब सेनापति बनने के लिए बहुत सकते हैं। और हमारी इनको में देखते हैं हमारी रिस्पेक्ट 94 है, मतलब अब हमारे पास उतनी रिस्पेक्ट थी लेकिन अभी हमने 15 माइनस कर दी। अब मुझे लगता है ये विलेज लेना ही होगा वरना कुछ हो नहीं पाएगा। देखो मैं उससे पहले अपने लिए कुछ आर्मर वगैरह ले लेता हूँ ताकि अभी मेरी हालत युद्ध में सबसे बदतर हो रही है। ये हेलमेट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये सारे लोग हम बेच दे रहे हैं ताकि हमारे पास पैसे आ जाए ताकि हम सोल्जर खरीदें। हम अभी भी इलाइट सोल्जर्स को खरीद नहीं पा रहे, मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी लेवल कितनी अभी डाउन है। अगर हमें एक घोड़ा खरीदना है तो देखिए 82,000 हमारे पास अभी सिर्फ 25,000 है और 25,000 में मैं ये घोड़ा तो नहीं खरीदने वाला। देखिए आगे जो दे रहा है, अभी तो हमें बस वॉरलॉर्ड बनना है ताकि हम जितने चाहे उतने सोल्जर्स अपने पास बुला सकें। वॉरलॉर्ड की एक स्पेशल पावर होती है कि हम बाकी के राजाओं को युद्ध के लिए बुला सकते हैं। अरे ये क्या, अभी तो मुझे इस पर अटैक करना है। ओके मतलब अगर मैं इस पर अटैक कर दूंगा तो ये जो कामाकुरा शोगनेट्स है तो उन पर वॉल डिक्लेयर हो जाएगी और शायद यही सीमा महाराज चाहते हैं। तो ओके उनके आदेश के लिए मुझे करना पड़ रहा है अभी। ओह इसका ऊपर कब्जा करेंगे। ऊपर से तीर बरस शुरू हो जाएंगे जैसे हम आगे आगे जाएंगे। तो
और यही एक बुरी बात है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे सोल्जर्स की संख्या जल्दी से जल्दी कम हो जाए। फिर हमने जो पिछले बार एक मिले को विजिट किया था तो हमारे काफ़ी सिपाही मर चुके थे। तो ये देखिए मौसम भी हमारे साथ नहीं चला, बारिश भी शुरू हो चुकी है। भी सोल्जर्स बताए लगता है हमारे तीरंदाज यही से उनका सब सफाया कर देंगे। अभी हमारा टारगेट है कि हम गेट को तोड़े, तो इसलिए मेरे सभी जो सोल्जर्स रहते हैं तलवार बाज और आने वाले गेट के पास भेज दिया है। लगता है जीत गए हम, उन्होंने सिर्फ दौड़ में तीरंदाज के रखे थे। हमारे 6 लोग मरे, 2 जख्मी हो गए, उनके सभी मर गए। लूट तो हमें अच्छी मिल ही नहीं रही आजकल, पता नहीं क्यों। और ये देखिए कामाकुरा शोगुनेट डिक्लेयर वॉर ऑन इंडियन डायनेस्टी, रीजन अटैक ऑन विलेज, ये हमारे महाराज कहते हैं। तो अब हम क्या करें, अगर मैं महाराज बन जाऊँ, अगर तीन बन जाऊँ यहाँ पर, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पंगे ना ही। और ये देखिए फिर हमला बोल दिया, अब हमें कैसल वेयर यू आर इन साइड, अब हमें इसे डिफेंड करना होगा। चलिए डिफेंड तो करेंगे, अब हम पिछली बार बाहर से हमला कर रहे थे और अब इंतफाक देखिए कि अब हम अंदर से हमें हमारे कैसल को डिफेंड करना है, क्योंकि उन्हीं का एक बंदा पास में था जो अटैक कर रहा था। तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये तीर, ये क्रॉसबो मिला है, हमें तीर अंदर ही लगवा है। अभी भी इन पर कोई आ नहीं रहा, मुझे कुछ तीर लग जाए। अभी भी इन पर लो होने में काफी टाइम ले रहा है, हमारे सोल्जर्स भी काफी जल्दी मर रहे हैं। लगता है उनके पास इलाइट सोल्जर्स ज्यादा है, इलाइट सोल्जर्स से मुझे डर लगता है क्योंकि उनके पास आर्मर वगैरह वो सब हाई क्वालिटी के रहते हैं। अभी मैं राजा होने के बाद जल्दी मर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा हूँ, अभी 18% का डैमेज नहीं होता है। मेरी घटना गर्दन ऊंची पड़ गई मेरी, मतलब हमने कैसल को हासिल भी कर लिया, उसे जीत भी लिया और उसके बाद में डिफेंड भी किया। वाह क्या बात है, वो 88,000 का आर्मर मिला है हमें, काफी सोल्जर्स मिले नहीं, लेकिन अब हमें इन्हें छोड़ ही देने वाले क्योंकि उन्हें रिस्पेक्ट कर दिया बहुत वाले सोल्जर्स। तो राजा खुश हुआ होगा, तो ना उन्हें डायरेक्ट पीछे पड़ गया, मुझे बोलते हैं यहाँ पर ये भी आ रहा है, उसके पास 33 सोल्जर्स हैं हमारे पास। कोई बात नहीं, तब तक मैं ये आर्मर ले लेता हूँ। आप देखिए लग रहा हूँ मैं एक इंडियन राजा, एकदम खतरनाक। यही है मेरा लग रहा है।
देख सकते हैं नीडेड द सपोर्ट ऑफ लॉर्ड मोर देन 210, मतलब अब मुझे लॉर्ड सपोर्ट इकट्ठा करना होगा, मुझे राजा लोग ज़्यादा इकट्ठे वहाँ जाना होगा। ऑटो फाइट कर देंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, और अभी जैसे जैसे सब हारेंगे उन सबसे बात करेंगे। ओके, सबसे पहले जान पहचान और फिर सपोर्ट माई डिज़ायर टू बिकम ओवरलॉर्ड, ये पूछेंगे। अब ये बोल रहा है, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद आवर गवर्नर एंड यू आर नॉट फिट फॉर दिस पोजिशन। मेरे पास दो ऑप्शन है कि ऑल द सेम आई विल ट्राई द पर्सुएड यू, ओके आई वाज नॉट कन्विंस, ओके ये तो मान नहीं रहा हमारे सेनापति बनने से। ओके नरसिम्हाजी से पूछते हैं, ये भी सेटिस्फाई नहीं है। ये मुझे लगता है हमें रिस्पेक्ट थोड़ी और बढ़ानी होगी, देखते हैं 120, ओके इतने रिस्पेक्ट से काम करने चलेगा, मुझे लगता है रिस्पेक्ट बढ़ानी होगी तभी शायद मुझ पर भरोसा करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी बंदी सोल्जर्स हैं उनको छोड़ देता हूँ, देखिए ये एक्सपर्ट है, मुझे इन्हें छोड़ने का मन तो नहीं करा लेकिन छोड़ देता हूँ। ओके शायद देखिए फेम रिस्पेक्ट, ओके मैंने रिक्रूट कर लिया क्या गलती से, अरे यार मैंने रिलीज की जगह रिक्रूट बटन दबा दिया, +20 की जगह -20 हो गई, ये बहुत गलत हो गया हमारे साथ। अब क्या करूँ, अब तो भाई दिखते थे इतने में नहीं मान देता, तो नहीं क्या नहीं कोई लाओ लोगों ने रिस्पेक्ट दिया, देखा रिस्पेक्ट कम है इसलिए मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है, तो अब मैं रिस्पेक्ट बढ़ाऊँगा। और बीच में एक बैंडिट्स ने हमारे ऊपर हमला बोल दिया है, लेकिन हमारे साथ एक परमर्दी राजा है, देखिए परमर्दी राजा शायद जीत जाएंगे, हमारी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वैसे मेरे पास सिर्फ 20 सोल्जर्स थे लेकिन इनके पास शायद 90 के आसपास लगता है, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं क्योंकि ज़्यादा से सोल्जर इनके वैसे ही लगता है, हमने तो फॉरेन से सोल्जर से सोल्जर लाए थे, शायद किसी ने खड़ा मार रखा था यार, कैसे राजा जिससे पहले ही मर जा रहा है, लेकिन घोड़बाजी में भाला चला गया। हम आखिर को देखते ही कुछ मारते हैं, मुझे लगता है इससे हमें घोड़ों की लूट मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक घोड़ा खाली है, इससे कोई बेटा भी नहीं, अगर मुझे जिंदा होता तो शायद मैं उसे पकड़ पाता ताकि मुझे लूट में घोड़ा मिल जाता, मुझे देखिए कितने सारे घोड़े हैं यहाँ पर, मुझे इन्हीं की तो जान चाहिए। लास्ट में हमारा कोई सुनने घोड़ा पकड़ लेगा, देखिए एक के पीछे सब भाग रहे हैं, 104 सिपाही एक के पीछे भाग रहे हैं, एक बंदे की चार है, क्या मजा रहा जी के, मैं जख्मी हो गया पर ओ रो, देखिए वो घोड़ा जो खुला था मैंने कहा था हमें मिल सकता है और मिल गया, उसकी हेल्थ थोड़ी कम है कोई बात नहीं, पर अभी देखते हैं अब अभी घोड़ा लेंगे और ये लोकल लेगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे थोड़ा अलग दिखता है ग्राफिक का सामान है, अरे यही कौन आ गया बीच में, कैसे दे दूँगा नहीं नहीं हम जीत नहीं सकते किसी जा रहे हैं, अगर मैं उस गाँव में रुक रहा हूँ रिस्पेक्ट हमारे फिर भी माइनस हो गई है, अरे मतलब वैसे जब हम भागते हैं तो हमारे रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है, ये तो गलत बात है, अभी ये छोड़ना पड़ेगा तभी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, रिस्पेक्ट 15 से बढ़ गई तो -25 से हो गई और करीब 15 से 105 है अभी भी रिस्पेक्ट, मुझे शायद 150 के, ओके तो मुझे इनविटेशन मिल चुका है, मुझे दिल्ली पे कब्जा करने के लिए बुलाया है, मेरे पास ज़्यादा सिपाही नहीं है लेकिन मुझे बुलाया है तो जाना पड़ेगा, रिस्पेक्ट कमाने के लिए जाना पड़ेगा। ओ हो भाई खुद सिम्हा ने हमें वॉरलॉर्ड के लिए सपोर्ट किया है, देखिए आई सपोर्ट यू एंड आई वांट यू टू द हेड द मिलिट्री कंपनी, यार मतलब इसे क्या ही मालूम अपने महाराज करने का इसकी जगह, इसने हमें सपोर्ट किया बहुत अच्छी बात है, इसे भी पूछते ये देखिए राजा जी राजा भोला टू, इन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है, बहुत शुक्रिया भोला जी, और किससे सपोर्ट मांगे यहाँ पे देखिए ये मत हुआ है इनसे भी सपोर्ट मांगते, यहाँ पे काफ़ी सारे राजा इकट्ठे हो रहे हैं, ये शायद ये नहीं मान लें ऑटो का क्या, इससे गुजरने वाले राजाओं के सिपाहियों का फायदा उठा रहा हूँ ताकि लूट मिल सके, तो ये देखिए एक ऊन मिल गया हुआ, मतलब तो पहले हमारे पास घोड़ा नहीं था ऊन भी मिल गया, नहीं
अभी बहुत से रिस्पेक्ट कम होने के कारण बहुत से लोग मुझ पर मतलब भरोसा नहीं। अरे कोई बात नहीं, देखिए जिनका सपोर्ट मिल रहा है वो तो दिखा ही रहे ना अभी, मतलब 60 का मेरे को नॉट सपोर्ट मिल चुका है और हमें चाहिए 200 शायद 50 के आसपास, मतलब हो जाएगा आराम से। आप ये भी सेटिस्फाइड नहीं तो आप इस आ गए कि कैसे भीड़ जमा हो चुकी है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे पूछ रहा हूँ, किसे मैंने पूछा नहीं अभी तक। ओके ये भी सेटिस्फाइड नहीं है तो ये तो मुझे जिसने कटप्पा जैसे लग रहे हैं, का नाम अर्जुन वर्मन है। ओके इन्हें हम कटप्पा जी बुलाएंगे और ये कटप्पा हमेशा भौगोलिक के साथ रहते हैं। देखिए इन्होंने हमें सपोर्ट कर दिया है, आई सपोर्ट यू एंड आई वांट यू टू हेड द मिलिट्री कंपनी। वाओ थैंक यू कटप्पा जी। और किससे पूछे हैं? ओके कटप्पा के बड़े भाई जैसे लग रहे हैं। ओके ये हमसे सेटिस्फाई नहीं है, कोई बात नहीं। ये लगता है कि भी साउथ रीजन से आया। ओहो इन्होंने भी सपोर्ट दे दिया, देखिए मतलब हमारा सपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। डील आई सपोर्ट यू एंड आई वॉन्ट यू टू हेड द मिलिट्री कंपनी। वाह मतलब ये पहले सेटिस्फाइड नहीं थे लेकिन फिर भी बात में मान गए। ये कह रहे आई ऑलरेडी सपोर्टेड। अरे मैं क्या करूँ इतनी भीड़ जमा हो गई यहाँ पर, समझ में नहीं आ रहा किसे पूछा था किसे नहीं पूछा। ओके शायद इनसे तो नहीं पूछा था, इनका सीधा तेरी बात देख रहा हूँ मैं। ओ ये सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन इन्होंने सपोर्ट कर दिया फिर भी। वाह मतलब अब हमारा लगता है हम सेनापति जल्दी बन जाएंगे। ओके इन्होंने भी पहले ही सपोर्ट कर दिया। ओके ओके इन्होंने भी पहले ही सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे इतने लोग दिख रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसने सपोर्ट किया है किसने नहीं। ओ ये नहीं माने यार जी, मान जाते इनसे तो नहीं पूछा हमने। ओ नॉट कन्विंसिंग, ये क्यों हो रहा है पता है? ये पहले से जो अभी के वॉरलॉर्ड ही खुद है तो ये हमें नहीं बनना चाहता। कोई बात नहीं बेटा फिर जल्दी जाएंगे। ओके इन्होंने पहले ही सपोर्ट, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने किससे सपोर्ट मांगा था किससे नहीं। बहुत से लोग मुझ पर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए सपोर्ट नहीं दिखा रहे। इन माय पोजीशन टुगेदर आई राइट फ्रॉम द स्टेट दिल्ली सुल्तान बट व्हेन टुगेदर वाज टेकन ओवर बाय द स्टेट इंडियन डायनेस्टी आई वाज फोर्स टू से, मतलब इनके ऊपर जबरदस्ती की गई कि इंडियन डायनेस्टी की तरफ से लड़े। ओके इनका सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए, देखिए मिल गया। इनके चेहरे से ही लग रहा है कि ये कितने दुखी है, या असल में दिल्ली डायनेस्टी के मतलब दिल्ली सुल्तान के राजा है। कोई बात नहीं राजा जी, हमारे शासनकाल में आपको दुखी का नहीं मिलेगी। इन्होंने ऑलरेडी सपोर्ट किया है, आप इसी का नाम और मुझे लगता है अभी मुझे पहले दिल्ली पे हमला करने में इनकी मदद करनी चाहिए। वैसे अभी इंडियन डायनेस्टी की जो करंट कैपिटल है वो तो देवागिरी है, अब दिल्ली बन सकती है और मुझे लगता है जल्दी आसानी से मिल जाएगी। मैं आपको ये पूरा मैच नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं 1265 वर्सेस 246, मतलब जीत तो पक्की हमारी है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ऑटो फाइट कर रहा हूँ। और ये देखिए यू वॉन द बैटल, ज़्यादा कुछ लूट मिली नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राजा लोग शामिल थे इसलिए शायद हो सकता है ऐसा। ये गोल्डन ओके तो मैं सबसे पहले मैं जो भी बंदी लोग हैं उनको छोड़ देता हूँ ताकि रिस्पेक्ट बढ़ जाए, वो मैंने लाइफ में रिस्पेक्ट छोड़ दिया। वाह क्या बुद्धिमान, इन्होंने का सपोर्ट मिल चुका है यार, जिनका सपोर्ट नहीं मिला उनसे बात करो, ये सेटिस्फाई नहीं है। ये सब लोग भागने लगे इधर उधर, सिमर टू से पूछा था वन से पूछ के देखते। अरे ये भी नहीं मान रहे, 230 से ज़्यादा लग रहा है सपोर्ट और हमारे पास देखते हैं अभी कितना सपोर्ट है। हमारे पास लॉर्ड सपोर्ट 170 का है, मतलब अभी और 60 लोग मतलब और 3 लोग आ जाओ का सपोर्ट चाहिए तभी हम बन पाएंगे इस इंडियन डायनेस्टी के वॉर लॉर्ड। जो बेचारे दिल्ली सुल्तान का राजा था वो अब इंडियन डायनेस्टी का गुलाम हो चुका है, यही यहाँ की सिस्टम है और इस सिस्टम में बदलाव शायद हम कर पाएंगे। देखिए अभी तुगलकाबाद पे भी अटैक चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे राजा दिख तो रहे मुझे, शायद मिल जाएंगे। ओके हमला ऑटो फाइट, ऑटो फाइट का फ़ायदा ये कि लोग रहते हैं। और ये देखिए अब हम ये बढ़ाएंगे इंटेलिजेंस और चैरिश्मा ताकि लीडरशिप बना सके। मैं लीडरशिप को 100 पे ले जाना,
सिटी में बहुत सारे सोल्जर्स हायर कर सकता हूँ, क्योंकि एक अच्छा लीडर ही एक अच्छा राजा बन सकता है। मैं ट्रेड को बढ़ाना चाहूँगा, ठीक है, अपने लूटिंग को भी बढ़ाऊँगा, क्योंकि जब तक ज़्यादा लूट मिलेगी नहीं तब तक इस गेम में ग्रो करना थोड़ा मुश्किल ही काम है। तो ये सी सर्किल को भी बढ़ाऊँगा, क्योंकि अब हमारा सफर पानी में भी हो सकता है। अरे यार ये सपोर्ट नहीं करते बच्चे, पता नहीं एक अच्छे आदमी को अच्छी पोजीशन नहीं देंगे, हमें खुद अपने लिए लेना होगा। क्या करूँ, कैसे मैं बन सकता हूँ सेनापति, अभी भी कम है हमारे पास, तीन राजा का सपोर्ट करना, तो मैं अभी तीन राजा ढूंढ रहा हूँ। तब तक के लिए थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ, लेकिन अब हम इसी वीडियो में सेनापति बन के रहेंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ गंदा बातें एक इवेंट चल रहा है अरेना, उस पर हम शामिल होकर लड़ाई लड़ सकते हैं। आपने वो देखा होगा फिल्मों में, वो घोड़े पर एक डंडा लेके हमला करते हैं, तो उसी प्रकार मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, देखते हैं जीत पाते या नहीं। थोड़ा सा रोमांचक भी होना चाहिए, हम गेम तो वैसे भी खेलते ही रहते हैं, थोड़ा सा मजा होगा, क्योंकि रॉड बॉलों से बच के रहे यार, मारने पे कम से कम दो लोगों को ये मेरा फेवरेट डंडा आ रहा है, मेरे हाथ में मजा आ गया दो डंडे से आसान से। अरे यार तुम्हें क्या अच्छी बंदा आ गया, सॉरी दोस्त, मेरा तो तुझे मारने का नहीं था, वो कंट्रोल जा रहा है मेरे हाथ से थोड़ी देर से, हमारे पीछे दो लोग पड़े। मैं इस आर्थिक को मारना चाहता हूँ यार, कब से देख रहा हूँ पीछे पड़ा है। मेरा दोस्त अकेला पड़ गया, उसे बचाना होगा। तो यार कितना बार बार बचा है उसकी सीट थी, बस यार लो मर गया आर्चर। अब बोलो भाई, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये घोड़ा कहाँ फंस गया मेरा, ये बहुत गलत बात है। ओहो बार बार बच गया यार, अगर वहाँ पे फंसा रहता ना तो पक्का मार देता, मुझे काफ़ी पड़ी है। ये घोड़ा बहुत बेशरम है, कंट्रोल में आ नहीं रहा, लगता है मुझे हरा ही देगा शायद। इस घोड़े की वजह से तो मैं हारना नहीं चाहता, मैंने उसकी सीट तोड़ दी है यार। ये घोड़ा बार बार इधर की चिपक रहा है, जॉयस्टिक के कंट्रोल में आ ही नहीं रहा, पता नहीं लगता है ये मुझे हराने पे ही तुला है। मुझे बस इस पीछे वाले से बचना है ताकि मुझे टाइम मिल सके, मैं उस पर दौड़ के जा सकूँ, और ये उनके टाइम मिल सकता है। अरे यार मिस मैच हो रहा है, काफ़ी कम हेल्थ बची है, आप देख सकते हैं राइट साइड में मेरी हेल्थ कितनी कम है। ये घोड़े की तो भाई मान जा यार, टर्न लेना यार, इतना कमीना घोड़ा है भाई, आराम को साला टर्न ही नहीं दे रहा, पूरी जॉयस्टिक घुमा रहा हूँ भाई, बीच में रुका मत यार। और मैंने उसका घोड़ा मार दिया, हुआ ये मैंने बहुत सही किया, उसके घोड़े को नहीं मारना चाहिए था, उसमें तो हमारे बीच चल रही है, क्या ही पता होगा क्या क्या क्या। ओ यार क्या नसीबवान है यार, मुझे लगा अभी उसकी खोपड़ी उड़ा देता मैं भाई। घोड़े यार चल यार चल चल चल, इज्जत का सवाल है यार, उसने मुझे नीचे मार दिया, इस कमी घोड़े को गाली देने का मन कर रहा है मेरे को, उसकी जगह अपने घोड़े को मार देता तो अच्छा होता। मैं अभी मैं बाहर जा रहा हूँ यार, इससे अच्छा हम सेनापति बन लेते हैं, काहे को ये फालतू झंझट में पड़ने का, मतलब वो घोड़ा यार कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था।
तो इन्होंने पहले ही सपोर्ट कर दिया है, मैं क्यों इनसे बार बार पूछ रहा हूँ, बेचारे परेशान हो रहे होंगे मुझसे। इन्होंने भी पहले ही सपोर्ट कर दिया, वाह इन्होंने भी सपोर्ट कर दिया यार, फिर सपोर्ट किया किसने नहीं, सब कह रहे आई ऑलरेडी सपोर्टेड। ओह इनका सपोर्ट मिल गया, बहुत अच्छा हुआ यार, ऐसी चीज से होनी चाहिए लाइफ में। और दो लोग सपोर्ट कर देना भाई, सेनापति बन जाएंगे फिर मजा आ जाएगा। ये राजा लोग मिल भी नहीं रहे, जब तक शायद किसी कैसे पे आक्रमण नहीं होते तब तक ये जमा भी नहीं होते कहीं पर। ओके तो ये मिस से बनना चाहिए मुझे, क्या करना है। ओहो एक 10,000 का आर्मर मिल गया, दो सोल्जर्स कि हमारे पास कुछ सोल्जर नहीं है बंदे रखने के लिए, वाह। मैं अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ ताकि मैं अच्छे से लड़ सके, भी बनाना पड़ेगा क्योंकि हम देख रहे हैं हम हमारे पास स्किल्स है लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे ये इसी की वजह से। क्या ही बकवास सेटिंग है, अब मुझे जय प्रताप पाल कहाँ इनवाइट कर रहा है, खजुराहो मतलब ये कहाँ, ये दिल्ली सुल्तान के स्टेट है मैं जानता हूँ, मुझे वहाँ पे जाना है, लेकिन क्यों जाना है ये मैंने भी पढ़ा नहीं, शायद वहाँ पे हमें अटैक करना है, नहीं डिफेंड करना है, वाह पहली बार डिफेंड करने के लिए बुलाया मुझे। पोल्ट्री फार्म से मुझे 13,000 रुपये मिले, वाह एक अच्छा आर्मर मिला था, इसे यूज कर देता हूँ, क्या खतरनाक राजा लग रहा हूँ मैं। तो गाइज ये वीडियो कुछ हद से ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, तो मैं कह रहा था कि अब बस करते यहीं पर रुकते हैं, हम आगे जैसे ही दो राजाओं का सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं सेनापति बन जाऊंगा अगली पार्ट में, पार्ट 3 में। अभी देख सकते हैं हमारी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हो रही है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा गुड बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।